उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब तीसरे चरण के लिए लड़ाई चल रही है। वहीं तीसरे चरण की पारी जीतने की कवायद में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एटा के अलीगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह राठौर के लिए मतदाताओं से खर्च के रूप में वोट मांगते हुए दोबारा सरकार में लौटने पर ब्याज सहित विकास के रूप में वापस करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण में साइकिल पंचर हुई और दूसरे चरण के मतदान में उड़ करके सैफई चली गई। अब कुछ पुर्जे इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं, ये हाल हो गया है साइकिल का। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक विरोधियों ने सभी प्रयास किए, लेकिन आप लोगों ने कमल का फूल खिलाने का काम किया है। एसपी बीएसपी का एटा में खाता भी नहीं खुल रहा, वो 400 सीटों का प्रदेश में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। प्रदेश की जनता ने गुंडागर्दी को हराने का काम, भ्रष्टाचार को दफनाने का काम 2014 से शुरू कर दिया था। उन्होंने सपा और बसपा को आड़े हाथ लेते हुए सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ की उपाधि दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए लोगों को सभी जानकारियां दी, साथ ही शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी जिक्र किया। बीजेपी है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है का संकल्प दिलाते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सत्यपाल सिंह राठौर को भारी मतों से विजय बनाने की अपील करते हुए कहा, मेरा सर आप दुखने मत देना और आपका सर वो झुकने नहीं देंगे। तो